हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की जो क्लास रहेगी 21 से लेकर 25 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखो इसमें क्या बोला गया है। हु इज़ द हेड ऑफ द कमेटी रिसेंटली सेटअप बाई द RBI टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट लेबल ATMs। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में RBI द्वारा व्हाइट लेबल ATM के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के प्रमुख कौन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं। RBI ने क्या किया है कि जो व्हाइट लेबल ATMs होते हैं उनका जो फी स्ट्रक्चर है उसको रिव्यू करने के लिए हाल ही में एक कमेटी का जो है गठन किया हुआ है। उस कमेटी का हेड कौन है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सुनील मेहता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुनील मेहता, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो सुनील मेहता जी हैं ये IBA के जो हैं वो क्या हैं, ये IBA यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के CEO हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइंस मैं करा दे रहा हूँ। हाँ, इस तरीके से भी स्क्रीन में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग ये क्लास, बताइएगा कि इस तरीके से अगर लाइनिंग वगैरह रहती है तो कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग, तो आगे से ये कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज प्लेन व्हाइट पेपर पे ही हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के CEO हैं ये, और इसके साथ साथ में ये जो कमेटी है ATM इंफ्रास्ट्रक्चर के फी स्ट्रक्चर को रिव्यू करेगी और अपनी जो रिपोर्ट है वो RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर जी को देगी। ठीक है, किसको देगी? टी रविशंकर जी को अपनी रिपोर्ट देगी, जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। अगर हम लोग बात करें WLA की, यानी कि व्हाइट लेबल ATMs की, तो क्या होते हैं व्हाइट लेबल ATMs? देखो, पहली चीज़ तो ये नॉन बैंक्स के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, मतलब कि जो बैंकें होती हैं ना उनके द्वारा ये सेटअप नहीं किए जाते हैं, ये नॉन बैंक्स के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और मालिकाना हक भी उन्हीं के पास में होता है। ठीक है, और ये जो नॉन बैंक ATM ऑपरेटर्स होते हैं ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत में अथोराइज्ड होते हैं। ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत में ये अथोराइज्ड होते हैं। 2012 में RBI ने कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड NBFCs को व्हाइट लेबल ATM सेटअप करने और ऑपरेट करने के लिए अलाउ कर दिया था। ठीक है, और अभी वर्तमान में हम लोग बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो चार व्हाइट लेबल ATM, ठीक है ना, चार ऑथराइज्ड नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं जो कि इंडिया में व्हाइट लेबल ATMs ऑपरेट कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। क्या कहना चाह रहा हूँ? चार ऑथराइज्ड नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं जो कि इंडिया में व्हाइट लेबल ATMs ऑपरेट कर रही हैं, और ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें NPCI, ठीक है ना, ये जो कमेटी नहीं बनाई गई जिसका हेड इसमें पूछा गया है, ये जो कमेटी है इसमें NPCI, NPCI के साथ साथ जो भी लीडिंग बैंक्स हैं उनके मेंबर्स और कुछ दूसरे स्टेक होल्डर्स के मेंबर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, व्हाइट लेबल ATM के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा अगर हम लोग समझें तो जो व्हाइट लेबल ATMs के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको ट्रांजेक्शन्स होने पर बैंकों से कमीशन मिलता हुआ है। देखो, होता क्या है ना कि बैंकें हर जगह अपना ATM तो लगा नहीं सकती हैं, ATM लगाने का, उसका मेंटेनेंस का, उसका सबका कॉस्ट आता है बहुत ज़्यादा। तो जो ये व्हाइट लेबल ATMs होते हैं ये किसी नॉन बैंक एंटिटीज़ के द्वारा ग्रामीण एरियाज़ में या उन एरियाज़ में लगाए जाते हैं जहाँ पर बैंकों की पहुँच कम है। ठीक है, तो वहाँ पे ये ATM लगाए जाते हैं और उन इन व्हाइट लेबल ATM से अगर किसी भी बैंक का ट्रांजेक्शन्स वगैरह होता है तो ये जो व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स होते हैं ये उस पर्टिकुलर बैंक से अपना कमीशन वगैरह ले लेते हैं। इस बेस पे ये व्हाइट लेबल ATM का जो है कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, तो व्हाइट लेबल को कमीशन वगैरह मिल जाता है। और अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो बैंक ऑपरेटेड ATMs और WLAs इन दोनों के लिए जो इंटरचेंज फीस है वो सेम है। इन दोनों के लिए जो इंटरचेंज फीस है वो सेम है। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए 17 रुपये, ठीक है, और नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए 6 रुपये, ठीक है, पर ट्रांजेक्शन।
ठीक है ना, ये रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी चीज़ें बताई गई आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी थी। याद रखना आप लोग इन सारी चीज़ों को, क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनेंगे यहाँ से एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर एम एस एम ई लोन्स, ए एन बी एफ सी आरका फिनकॉप हैज़ रिसेंटली इंटर्ड इन टू ए को लेंडिंग पार्टनरशिप विद विच बैंक। ठीक है, क्या कह रहा है ये? एम एस एम ई ऋण प्रदान करने के लिए एक एन बी एफ सी आरका फिनकैप ने हाल ही में किस बैंक के साथ सह उधार साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आरका फिनकॉप एक एन बी एफ सी है, इसने अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक इंडिया के साथ में एक को लेंडिंग पार्टनरशिप किया हुआ है जिससे कि एम एस एम ई लोन ऑफर किया जा सके। इस को लेंडिंग पार्टनरशिप के तहत में 80% का जो लोन होता है वो बैंक्स के द्वारा दिया जाएगा, बैंक्स के द्वारा दिया जाता है ज़्यादातर केसेस में, ये एन बी एफ ये को लेंडिंग पार्टनरशिप की गाइडलाइन ही होती है। और जो 20% का जो लोन होता है वो एन बी एफ सी के द्वारा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, पिछली की कई क्लासेस में कई बार बताया गया है, इंटरव्यू में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सब का हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट ईयर कहाँ कब है, ये सब चीज़ें भी देख लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को आप लोगों को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं पीओ क्लर्क में, हालांकि स्केल टू और स्केल थ्री में इसके चांसेस थोड़ा सा कम ही रहते हैं, लेकिन चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो ईजी हो जाता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम दी इंश्योरेंस कंपनी व्हिच हैज रिसेंटली सिक्योर्ड दी सिक्स्थ पोजिशन आउट ऑफ दी टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज इन दी ग्लोबल मिलियन डॉलर राउंड टेबल रैंकिंग फॉर 2024। हाल ही में 2024 के लिए ग्लोबल मिलियन डॉलर राउंड टेबल रैंकिंग में छठवां स्थान हासिल करने वाली बीमा कंपनी का नाम बताना है, और ये जो छठवां स्थान है टॉप 100 में से सिक्स्थ रैंक आई हुई है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना टाटा ए आई जी भी दिया गया है ऑप्शन में, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस इसका उत्तर हो जाएगा। डीप में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उतना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया जाता है। पहले नंबर पर कौन है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। पहले नंबर पर चाइना की ए आई ए चाइना है, ठीक है, पहले नंबर पर चाइना की ए आई चाइना है, और इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इन ऑर्डर टू सपोर्ट 50 टैलेंटेड टैलेंटेड फीमेल रेसलिंग एथलीट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एज ए पार्ट ऑफ इट्स सी एस आर प्रोग्राम व्हिच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट टू लॉन्च दी रेशल ऑफ ग्लोरी। अपने सी एस आर कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में भारत भर से 50 प्रतिभाशाली महिला कुश्ती एथलीटों का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में रेशल फॉर ग्लोरी लॉन्च करने के लिए इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है, तो ये चीज़ जानो कि सी एस आर का मतलब क्या हो जाता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ज़्यादातर केसेस में ये क्या होता है कि कुछ एक टर्नओवर वाला कुछ एक अमाउंट होता है, वो अभी मुझे एग्जैक्ट इस समय नहीं याद आ रहा है, क्लास के टाइम पे मैं वो देख के बताऊंगा। उसका 2% हिस्सा जो होता है जो कंपनीज होती हैं उनको सी एस आर एक्टिविटीज़ के रूप में करना होता है, मतलब समाज के निर्माण में या सामाजिक कार्यों के लिए अपना उसका 2% खर्च करना होता है। ठीक है, तो ये सी एस आर बेसिकली होता है, चैरिटी टाइप में कर लो, या 100 रुपये हम जैसे कमा रहे हैं तो 2 रुपये हम समाज के हित में देंगे, ऐसे इस तरीके से। तो उसी सी एस आर एक्टिविटीज़ के लिए ये महिला कुर्स ये मतलब साझेदारी की गई है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कौन सी बैंक ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ में किया हुआ है, ये चीज़ आपसे इसमें पूछा गया है। तो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है ये बेसिकली ओलंपिक ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। भाई ओलंपिक के लिए तैयार करना है तो किसी ऐसी कंपनी के साथ में टाई अप करना होगा जो ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करती हो, तो ये जो कंपनी है ये ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है। अब बैंक कौन सी है ये इसमें पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। बस इंडसइंड बैंक और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इस तरीके से याद कर लो, दोनों का नाम देखो आई से स्टार्ट हो रहा है,
आई आई ऐसे करके या आई स्क्वायर ऐसे किसी भी तरीके से कुछ भी याद करने का आप लोग बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टेंड करते हैं, थोड़ा सा 2016 में हम लोग चलते हैं। 2016 में इंडसइंड बैंक ने इंडसइंड फॉर स्पोर्ट्स नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ था। ठीक है, और ये जो रेसल फॉर ग्लोरी है, ये जो रेसल फॉर ग्लोरी वाला ये जो इनिशिएटिव है, ये उसी इंडसइंड फॉर स्पोर्ट इनिशिएटिव का एक पार्ट है जो पहले लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, उसी का एक सब प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। और बस ये इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर, MD & CEO, टैगलाइन, स्टेट इस्टेब्लिशमेंट ईयर, मर्जर अगर किसी का हुआ है तो किस में हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के SBI के एसोसिएट्स होते थे, पर कितने एसोसिएट्स होते थे, उनको कब मर्ज कर दिया गया। ठीक है, किसी का कौन सी बैंक का अभी हाल ही में फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, और जब फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया तो क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, क्या उसकी थीम थी, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस पहले पढ़ाए गए हैं ना, सबको रिकॉल कर लिया करो। यही मैं कहना चाहूँगा, और यही एक बेस्ट अप्रोच होती है तैयारी करने की, पढ़ाई करने की, चीज़ों को याद रखने की। आगे बढ़ते हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड रिसेंटली रीनेम्ड इटसेल्फ विद विच नेम विद इफेक्ट फ्रॉम 9th of July 2024। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में 9 जुलाई 2024 से अपना नाम बदलकर कौन सा कर लिया, बेसिकली इसने अपने रिब्रांडिंग की है, रीनेमिंग की है, क्या नाम रखा है अपना, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये जो फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड है, ये करती क्या है, ये जो ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स होते हैं, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स होते हैं, उनकी जो गरीब महिलाएं होती हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बस इतना ही इसमें करना है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज MD & CEO ऑफ द फेडरल बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 23rd of September 2024। हाल ही में 23 सितंबर 2024 से 3 साल की अवधि के लिए फेडरल बैंक के MD & CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, सही उत्तर जो इसका हो जाएगा कृष्णन वेंकट सुब्रमणियन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनको 3 सालों के लिए MD & CEO बनाया गया है फेडरल बैंक का, 23 सितंबर 2024 से इनका कार्यकाल प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सुब्रमण्यन जी हैं, ये मतलब इससे पहले 30 अप्रैल तक, मतलब कि 30 अप्रैल तक, 23 मतलब कि फेडरल बैंक ज्वाइन करने से पहले ये 30 अप्रैल तक कोटक महिंद्रा बैंक के ज्वाइंट MD के रूप में ये काम कर रहे थे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं, अगर इनको 3 साल के लिए MD & CEO बनाया जा रहा है फेडरल बैंक का, तो अभी वर्तमान में कोई MD & CEO होगा, तो क्वेश्चन अगर टफ करेंगे तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ये रिप्लेस जो कर रहे हैं श्याम श्रीनिवासन जी को कर रहे हैं, देखो ऑप्शन में ऑप्शन बी वो भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। और ये जो श्याम श्रीनिवासन जी हैं, ये 22 सितंबर को, 22 सितंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं, 23 सितंबर से इनका कार्यकाल प्रभावी हो जा रहा है। ठीक है भैया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आगे बढ़ेंगे। हुच बैंक हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 117th फाउंडेशन डे ऑन द 20th of July 2024। हाल ही में किस बैंक ने 20 जुलाई 2024 को अपना 117वां स्थापना दिवस मनाया, ये ध्यान रखना, कौन सा फाउंडेशन डे था ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, और ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, सही उत्तर के जिक्र करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20th of July 2024 को 117वां 117th फाउंडेशन डे बैंक ऑफ बड़ौदा का मनाया गया है, और इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोटल 11 नए इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हुए हैं, ये भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है ना, टोटल 11 न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं इस मौके पर, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है कि इनिशिएटिव से बताएं, क्योंकि बैंक का छोटा छोटा इनिशिएटिव लॉन्च किया ही जाता रहता है, कभी बैंक में ये डे है कभी वो डे है, दुनिया भर का चलता रहता है, तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा जरूरी मुझे नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे वीडियो क्लास में तो मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन PDF में मैं दे दूंगा कि 1% भी अगर चांस बने वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करने का, तो आप लोगों के लिए वो ईजी हो जाए। ठीक है, तो मतलब PDF इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का और पढ़िएगा। और ये जो 11th 117वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था, इसका थीम क्या था ये पूछा जा सकता है, तो ये जान लो इसका थीम क्या था ये जान लो, ट्रस्टेड टुडे ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। ठीक है ना,
ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, ये इसका थीम था। ये चीज़ आप लोग देख लेना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और कुछ एक इनिशिएटिव बता दे रहा हूँ मैं, चलो 11 इनिशिएटिव में से कुछ एक मैं बता दे रहा हूँ, कुछ एक पीडीएफ में भी मैं दे दूंगा, तो पढ़ लेना। पहला तो क्या किया गया इस मौके पर कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाई अप किया हुआ है ईज माई ट्रिप के साथ में, ठीक है ना। ईज माई ट्रिप के साथ में इसने एक टाई अप किया हुआ है। क्यों टाई अप किया हुआ है? को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है ना भैया, को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड के लिए टाई अप किया गया है। बड़ौदा एम डीजी नेक्स्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? बड़ौदा एम डीजी नेट नेक्स्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इसी मौके पर, ये भी आप लोग जान लो भैया, ठीक है। डिजिटल बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि बी बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड, बी के सी सी, डिजिटल बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड इम्प्लीमेंट करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ में पार्टनरशिप भी किया हुआ है। किसके साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है? RBIH के साथ में किया हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनेगा, इसलिए मैंने इसको कंसिडर कर लिया है यहाँ पे, ये भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं तो ये जानो कि और क्या इनिशिएटिव लिया गया है। तो BOBE पे मैं लिख रहा हूँ, BOBE पे, ये ई जो है हिंदी वाला ई है, हम लोग छोटा ई बड़ा ई नहीं बनाते हैं इस तरीके से, तो ये इसी तरीके से लिखा गया है, तो ये इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, समझना आप लोग। BOBE पे UPI पेमेंट्स PSP ऐप लॉन्च भी किया गया है इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। और ये ऐप जो है अगस्त 2024, जो कि स्टार्ट हो चुका है अगस्त 2024 से, ये एंड्रॉयड और iOS यूजर्स दोनों के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा, ऐसा मतलब प्रावधान है, ऐसा बोला गया है। इसके साथ साथ में डिजिटल कस्टमर सर्विस इन्हेंस करने के लिए Gen AI, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दौर चल रहा है, नौकरियां लोगों के खतरे में हैं प्राइवेट सेक्टर में, AI की मदद से बहुत सारे काम इजी किए जा रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल कस्टमर सर्विस इन्हेंस करने के लिए Gen AI पावर्ड एक VRM भी लॉन्च किया गया है इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ठीक है। तो कुछ एक जो जरूरी पॉइंट थे वो मैंने बता दिया है, बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसको आप लोग PDF में पढ़ना। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये किसकी टैगलाइन है? ये आप लोग यूट्यूब पर अगर फ्री क्लासेस में देख रहे हो तो कमेंट कर कर बता दो मुझे, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये किसकी टैगलाइन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाई दी बोर्ड ऑफ दी ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग टू सीड बीज फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड अडोप्टेशन प्रोजेक्ट्स इन MSMEs? MSMEs में सिडबी के समन और अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए क्षमता निर्माण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड के बोर्ड द्वारा हाल ही में कितनी राशि को मंजूरी दी गई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है ना। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। 215.6 मिलियन USD। अब इस 215.6 मिलियन USD को दो पार्ट में बांट दो। इसमें से क्या हुआ है कि इसमें से 200 मिलियन USD जो है वो तो भैया लोन के रूप में दी गई है, एज ए लोन अमाउंट के रूप में दिया गया है। बाकी जो बचा हुआ 15.6 मिलियन USD है, ये एज ए ग्रांट दिया गया है। ग्रांट का हिंदी मतलब होता है अनुदान, अनुदान मतलब भैया दान दे दिया गया है, ये शायद वापस आपको नहीं करना है, लोन वाला अमाउंट वापस करना होगा, ग्रांट अनुदान जो होता है वो वापस नहीं किया जाता है। तो ये दो पार्ट में इस तरीके से ये लोन दिया गया है, ठीक है। और इस फंड का जो उपयोग है वो MSMEs को लो इमिशन एंड क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करने के लिए किया जाएगा। मतलब कि जो MSMEs हैं वो कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले, लो इमिशन वाले क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करें अपने बिजनेसेस में, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, इसलिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। और इन सारी बातों के साथ साथ में सिडबी भी अलग से इसके लिए 1 बिलियन USD का कोष क्रिएट कर रही, कॉर्पस क्रिएट कर रही। कितने का कर रही भैया? 1 बिलियन USD का, ठीक है। 1 बिलियन USD का कॉर्पस जो है वो सिडबी के द्वारा, किसके द्वारा?
सिडबी के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जिससे कि जो एमएसएमईज हैं वो लो इमिशन एंड क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकें। लो इमिशन की मदद से जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वो कम किया जा सकेगा। ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में मतलब अच्छा काम होगा। इससे बेसिकली सीएफसी जो गैसें वगैरह होती हैं वो नहीं निकलेंगी, और ये जो टेम्परेचर वगैरह बढ़ जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए ये बेसिकली काम करेगा। यहाँ पर एक जिक्र किया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड का। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट फंड है। हालांकि इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है नहीं, तो उधर हम लोग नहीं जाएंगे। ऑलरेडी इतना कंटेंट मैंने आप लोगों को पेड क्लासेस में पढ़ा दिया है, तो वो सब चीज़ें पढ़ो। अननेसेसरी चीज़ों में उलझा के आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। और ब्रांच बैंकिंग पे फोकस आप लोग करते रहना, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो भी देखना। और आप लोग अगर जीबीओ की तैयारी कर रहे हो और स्केल 3 की तैयारी कर रहे हो, तो बैंकों में जो काम कर रहे हो भाई साहब वो ज़रूर ध्यान रखना, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जीबीओ और स्केल 2 के जो एग्ज़ाम हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड हो गए हैं, तो एक्सपीरियंस बेस्ड जो आप बैंकों में काम कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। स्टैटिक के लिए डरना नहीं है, स्टैटिक का हाय तौबा नहीं मचाना है। ट्रेडिशनल स्टैटिक जो होती है वो स्केल 2 और स्केल 3 में नहीं पूछी जा रही है। हालांकि पीओ और क्लर्क में भी अब उस तरीके की स्टैटिक नहीं पूछी जा रही है। स्टैटिक वो पूछी जा रही है पीओ और क्लर्क में जो हाल फिलहाल में जो न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक बनता है तो वो पूछ लिया जाता है। यही पैटर्न है जीबीओ और स्केल 3 में अडॉप्ट कर लिया जाता है। हालांकि जीबीओ और स्केल 3 में अब ज़्यादातर ब्रांच बैंकिंग जो आप बैंक ब्रांचेज में काम कर रहे हैं वहाँ की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो वहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना अपने पढ़ाई करने के समय में। और अभी एग्ज़ाम के लिए टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। 29 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है और अगस्त स्टार्ट हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। पढ़ाई ध्यान से करते रहो, ज़ोर शोर से करते रहो। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पॉइंट ऑफ सेल सोल्यूशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर डिवाइस और कार्ड मशीन टू बैंक एंड इट्स मर्चेंट नेटवर्क व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद पेटीएम। बैंक और उसके मर्चेंट नेटवर्क को पॉइंट ऑफ सेल समाधान और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर डिवाइस या कार्ड मशीन प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में पेटीएम के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भैया, एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इससे ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, 25 जुलाई तक की क्लास हम लोगों ने आज ख़त्म कर लिया। अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग जुलाई कंप्लीट कर लेंगे। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए।